गुड मॉर्निंग। हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 था, गप्पों की दुकान, ये पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। इसके क्वेश्चन आंसर आपने अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज हम आगे वाला जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है 8, वो पढ़ेंगे। देखो, ये एक बाघ और जो एक कौवा है उसकी थोड़ा सा एक सही मौका यानी सही मौके के ऊपर दोनों की वार्तालाप हो रही है। तो एक बार थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे इसको, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ना, मजा आएगा। देखो, बाघ कुमार को भेड़ खाने का मन कर रहा था। वह अपने दोस्त पटिया कौवे से बोला, पटिया गांव में जा और देख कर आ कि ढेर सारी भेड़े कहाँ हैं। तो फिर पटिया बोलता है, अच्छा। आगे देखो, पटिया पास के गांव में गया, एक जगह है, वाह यहाँ बहुत सी भेड़े हैं, बाघ कुमार खुश हो जाएगा। पटिया उठकर बाघ कुमार के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है, दोस्त मैंने गांव में एक जगह बहुत सी भेड़ों को देखा है, जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर बाघ बोलता, ठीक है, अभी रात है, कल सुबह वहां चलेंगे। फिर उसके बाद दूसरे दिन दोनों छिपते छिपाते पास के गांव में पहुंचते हैं। बाघ बोलता है, मैं गडरिये के जाने तक रुकता हूँ, मतलब जो ये भेड़े चराता है उसके जाने तक यहाँ रुकता हूँ। फिर उसके बाद कुछ देर बाद गडरिया चला जाता है। फिर वो कौवा बोलता है, अब कोई नहीं है, तुम जा सकते हो। बाघ बोलता है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक कह रहे हो। फिर आगे देखो, बाघ आगे बड़ा, लेकिन लेकिन क्या हुआ, लगता है ये गड्ढे का जो भेड़े चरा रहा है उसका बेटा है, मुझे कुछ देर तक रुकना चाहिए, तभी वहां जाना ठीक नहीं, अभी मतलब वहां जाना ठीक नहीं है। तो वो कौवा बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद लड़का भी चला गया, बाघ फिर आगे बढ़ा, लेकिन लेकिन ओहो वह कुत्ता, उसने मुझे देख लिया तो भौंकने लगेगा, मुझे होशियार रहना चाहिए। बाघ कुमार फिर रुक गया, थोड़ी देर में कुत्ता भी चला गया। इतने में कौवा बोलता है, अब सही मौका है। तो बाघ कहता है, ये भेड़े मोटी और ताकतवर है, अगर उन्होंने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया तो हाँ हाँ है तो, मगर देखो आगे। बाघ कुमार आगे बढ़ने में हिचकिचाया, उसे थोड़ा ऐसे अटपटा लगा। कुछ समय बाद ओहो अंधेरा हो रहा है, अब शायद मौका मिल जाए। तब तक गडरिया आ गया, उसने सारी भेड़ों को इकट्ठा किया और अंदर ले गया। बाघ कुमार और पटिया कौवा दोनों वापस जंगल में लौट गए। बाघ बोलता है हमें सही मौका नहीं मिला, वरना 2-4 भेड़े तो जरूर मार गिराता। फिर पटिया बोलता है, नहीं दोस्त, मौके तो बहुत मिले थे, मगर बेकूफ सही मौका समझ ही नहीं पाता। कुछ पाने के लिए जितनी जरूरी ताकत है, बुद्धिमानी भी उतनी ही जरूरी है। कवि ने ठीक ही कहा, बेकूफ सही मौका नहीं पहचान पाते। तो ये अपना एक कवि और बाघ की थोड़ी सी वार्तालाप थी, वो हमने ऐसे आपके मनोरंजन के लिए पढ़ी। अब हम अपना चैप्टर नंबर 8 है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है यह मेरा इंडिया, यानी यह मेरा इंडिया का मतलब यह मेरा भारत। ठीक है, अब देखिए क्या है चैप्टर में, लेसन में, देश और दुनिया की सैर करना किसी अच्छा नहीं लगता,
नई नई जगहों को देखना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, लोगों से मिलना और कुछ सीखना, कितना मजा आता है। इन सब में संदीप और सानवी ने दिल्ली और उसके आसपास क्या क्या देखा, पढ़िए और जानिए। संदीप और सानवी दोनों देश विदेश की सैर कर रहे हैं और सबसे पहले वो कहाँ है, दिल्ली, और दिल्ली के आसपास जितने भी इलाके हैं उन्होंने वहां क्या क्या देखा, देखिए हम पढ़कर जानेंगे। संदीप और सानवी अपने दादू दादी के साथ दिल्ली और उसके आसपास घूमने गए। ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई ना कि दो बच्चे हैं संदीप और सानवी जो अपने दादा और दादी के साथ कहां घूमने गए हैं, दिल्ली। घर लौटकर दोनों अपने माता पिता को जगह जगह पर खींची गई फोटो दिखाने लगे। माँ ने कहा, संदीप सानवी तुमने इतनी सारी फोटो खींची है, क्यों न इनकी एक एल्बम बना लो, वरना ये सारी फोटो इधर उधर बिखर जाएगी। दोनों को यह बात बहुत अच्छी लगी। सानवी ने कहा, माँ मेरे पास एक खाली कॉपी है, हम उसी में ये फोटो चिपकाएंगे। यह कहकर सानवी अपनी अलमारी से कॉपी लेने चली गई। इसी बीच संदीप भी गोंद कैंची और रंगीन कलम आदि ले आया। सानवी ने पूछा, संदीप तुम ये रंगीन कलमें क्यों लाए हो? संदीप ने कहा, सानवी मैं हर फोटो के नीचे उससे जुड़ी जानकारी लिखूंगा, इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और यादें भी ताजा रहेगी। सानवी को यह बात बहुत पसंद आई। दोनों ने मिलकर एक सुंदर एल्बम बनाई। उन्होंने अपने एल्बम का नाम रखा यह मेरा इंडिया। क्या आप भी संदीप और सानवी द्वारा बनाए एल्बम देखना चाहेंगे? हाँ तो चलिए देखते हैं। सफेद संग मरमर से बना ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को बनवाने के लिए देश विदेश के कारीगर बुलाए गए थे। इसे बनाने में लगभग 20 वर्ष लगे थे। ताजमहल की छत और दीवारों पर कई निकासी बेहद खूबसूरत है। यहाँ मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें आमने सामने बनी हुई है। ताजमहल देखने के बाद हमने आगरा का मशहूर पेठा और दाल मोठ खरीदी। दिल्ली का लाल किला भी मुगल बादशाह शाहजहां के शिल्प कला प्रेम का उदाहरण है। इस किले के 2 मुख्य द्वार हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हयात बख्त बाग आदि मुख्य आकर्षण हैं। लाल किला भारत की शान का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। देखो, लाल किला है वो भारत की क्या है, शान है। और जब हमारा भारत है वो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन लाल किले के मुख्य द्वार पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। लाल किले की दीवारों से सटे चट्टा चौक की दुकानों से हमने अपने दोस्तों के लिए कई उपहार खरीदे। नई दिल्ली के राजपथ पर बना इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है। यह अंग्रेजों द्वारा
उन 82,000 भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था जो ब्रिटिश सेना की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। इसमें से 13,300 सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर उखरे गए हैं। बाद में यहाँ काले संगमरमर का एक सम्मारक बनाया गया जिसे अमर जवान ज्योति कहा जाता है। काले रंग का संगमरमर है जिसको क्या कहते हैं, अमर जवान ज्योति। निशानी के लिए यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी रखी गई है। दादू और दादी के साथ इंडिया गेट के सामने हरे भरे मैदानों में घूमने में हमें बड़ा मजा आया। दादू ने हमें वहाँ नौका विहार भी कराया। नौका विहार ने नाव की शहर। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में स्थित है। यह 120 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। यह मीनार लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। मीनार के भीतर गोल सीढ़ियां हैं। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और उसके पोते इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुब मीनार के निकट एक विशाल लोहा स्तंभ है जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। यह लोहे का स्तंभ लगभग 7 मीटर ऊंचा है जो पहले हिंदू एवं जैन मंदिर का एक हिस्सा था। लोहे का बना होने के बावजूद इस स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है। अमृतसर पंजाब में हर मंदिर साहिब सिख मंदिर का मुख्य देवस्थान है। यह मंदिर गुरुद्वारे श्री दरबार साहिब और स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने की थी। श्री हर मंदिर साहिब में बने 4 मुख्य द्वार सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले रहते हैं। मुख्य गुरुद्वार अमृत सरोवर के बीचों बीच बनवाया गया है। महाराजा रणजीत सिंह ने श्री हर मंदिर साहिब पर सोने की परत चढ़वाकर इसके यश में 4 चांद लगा दिए। हमने गुरुद्वारे में लंगर खाया और कुछ देर सेवा भी की। लंगर में सभी लोगों को एक साथ खाता देख बहुत अच्छा लगा। यह राजस्थान के जयपुर में स्थित हवा महल का चित्र है। ये है हवा महल, ठीक है। हवा महल का निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। यह इमारत 5 मंजिल की है जो जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है। यह लाल और गुलाबी पत्थर से बनी हुई है। हवा महल में 950 से ज्यादा खिड़कियां हैं जिन पर पत्थर की जाली लगी हुई है। ये खिड़कियां राजघराने की महिलाओं के लिए शाही जुलूस देखने के लिए बनवाई गई थी। हवा महल का नक्शा लालचंद उस्ताद ने बनवाया था। जौहरी बाजार में हमने माँ के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां और कड़े खरीदे और पिताजी के लिए जयपुरी जूतियां। तो हमने इस चैप्टर में हवा महल के बारे में पढ़ा, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसके बारे में पढ़ा, कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा, लाल किले के बारे में पढ़ा, ताजमहल के बारे में पढ़ा और जो दिल्ली के इंडिया गेट है उसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों ये हमारे भारत में प्रसिद्ध स्थान है, जगह है जिसको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी जाओ दिल्ली जयपुर अमृतसर तो इन चीजों को देखना और इनके बारे में किसी से भी कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो लेना।
तो इस पार्ट को एक बार आप दोबारा, इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़ना, जिससे आपको थोड़ा बहुत और इन चीजों के बारे में पता चले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।